अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मुस सालिहात ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तैयार हैं तफसीर के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने अपने काम धंधे सब छोड़ दिए जो कर रहे थे? कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैठकर क्लास ले रहे होते हैं और सिर्फ लिखते और पढ़ते सुनते हैं? वो वन टाइप करें रूम में। चलिए, अल्लाह ताला सबको बरकत दे। आप अगर बग़ैर तवज्जो के सुनेंगे ना तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो कि वैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हाथ खड़े कर रहे हैं, इसका था कि आप इस वक्त सुन रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो इसका था वो इस वक्त भी कुछ और ही कर रहे हैं। चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरत अल-नाम आयत नंबर बोलिए जी। जी बाजी, कौन सी आयत है? 102। टॉपिक लिखिए, अल्लाह ताला बहुत बुलंद शान वाला, मुदब्बिर, रज़्ज़ाक़ और बेहतरीन निगहबान है। अब तो मुझे लगता है कि तफसीर के दौरान आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपनी तरफ मुतवज्जह करती होगी वह अल-अस्माउल हुस्ना। ऐसे ही है, अमूमन लोग उसको छोड़ ही देते हैं कि आखिर में आता है, तफसीर पहले ही हो चुकी होती है, चलो छोड़े जी अल्लाह के क्या नाम है। लेकिन हकीकत है कि हर नाम अपनी जगह पे, हर आयत के अंदर जहाँ आया वो उससे मुतल्लिक़ है। इस आयत को पढ़ते वक्त आपने आज इस तरह इंशाल्लाह ये चीज़ सामने रखनी है। लफ्ज़ी तर्जमा दोहराते हैं, ज़ालिकुमुल्लाहु, यही है अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, खालिकु, पैदा करने वाला, कुल्ली शयइन, हर चीज़ को, फ़ाबुदूहु, तो इसकी इबादत करो, वहुवा, और वो, अला कुल्ली शयइन, हर चीज़ पर, वकील, कारसाज है यानी निगेबान। बामुहावरा तर्जमा देखेंगे, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो अल्लाह तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्ला हुआ, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, खालिकु कुल्ली शयइन, हर चीज़ का खालिक या पैदा करने वाला, और वहुवा अला कुल्ली शयइन वकील, और वो हर चीज़ पर निगहबान है, यानी उसका कारसाज़ है। आप देखिए कि क्या आयत है, हर लफ्ज़ अल्लाह की तौहीद को वाज़ेह करता हुआ। पिछली आयत को सामने रख लीजिए। तौहीद रबूबियत के इतने ख़ूबसूरत दलाइल पढ़ने के बाद, अल्लाह ताला की इस कायनात पे नज़र होने के बाद, कि कैसे एक ही घास की पत्ती है कि जो जानवर के मुंह में जाती है तो उससे दूध निकल आता है, और वो शहतूत कह लीजिए कि किसी रेशम के कीड़े के पत्ते में वो पत्ता जाता है तो वहाँ से रेशम निकलता है। याद है आपको तौहीद रबूबियत में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल सुनाया था कि तुम कैसी बातें करते हो, बल्कि इमाम शाफी का ये कौल था। किसी न किसी एक इमाम ने कहा था कि एक ही पत्ता बकरी खाती है तो मैंगनी निकलती है उससे, और रेशम का कीड़ा खाता है तो उससे रेशम निकलता है। हिरन खाती है हिरनी तो उसमें से मुश्क की खुशबू आती है। तो बताओ कि ये एक पत्ते में इतनी सलाहियतें रखने वाला कौन है? अल्लाह कहते हैं ये वही है जो हर एक चीज़ को बनाने वाला, हर एक चीज़ का खालिक भी है, मालिक भी है। तुम्हें कोई इसके बाद किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत है? बड़ी ही महरूमी की बात है कि घर की चीज़ को छोड़कर कोई बाहर की गंद बला पे नज़र डाले। शौहर को घर की पाकीज़ा बीवी से ज़्यादा दिलचस्पी बाहर की औरतों में हो, चाहे वो कितनी नेक पारस औरतें क्यों ना हो, लेकिन शौहर का ये फ़ेल इंतहाई गलीज़ फ़ेल होगा। बच्चे अपने माँ बाप की मोहब्बत भरी बातों को छोड़कर, उनके हाथ के पके हुए साफ़ सुथरे खाने को छोड़कर बाहर से ओल फोल खाएँ तो उन बच्चों की महरूमी होगी। और यही असूल कायनात में हर जगह फिट कर लीजिए कि जब आप अपने करीब की चीज़ की कदर ना करें तो आपको बाहर की चीज़ से भी खैर नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ये तजुर्बा कर चुके होते हैं। ज़िंदगी में शिर्क करने वालों को अगर सिर्फ ये एक असूल समझ आ जाए कि कौन सी ज़रूरत तुम्हारी अल्लाह से पूरी नहीं होती वो बताओ, फिर जाओ किसी कब्र पे, फिर जाओ किसी मज़ार पे, फिर जाओ किसी ज़िंदा की मिन्नतें करते हुए, फिर किसी पैसे वाले दौलत वाले का दर खटखटाओ तो फिर तुम्हारी को बात भी बने, जब तुम्हारा रब सब कुछ तुम्हारे लिए खुद करता है। हर चीज़ वो करने वाला बदी समावाती वल अर्थ है। औलाद उसकी कोई नहीं, बीवी उसकी कोई नहीं, ताकि वो कहीं मसरूफ़ ही ना हो कि तुम को कि वो अपने कामों में है। हर चीज़ को पैदा करके अब नज़र भी रखे हुए है। तो बताओ फिर ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यानी आपने देखा है कि पिछली आयत से जब इसको जोड़े ना तो वो सारी बात खुलकर सामने आ जाती है कि तुम जिन चीज़ों की तरफ नज़रें लगाते हो वो गलत है। आप देखिए ज़रा घर की तरफ आते हुए रास्ता कोई गलत लेना तो पास बैठा बच्चा भी बोल उठेगा, ये रोड तो नहीं हमारे घर की तरफ जाती। आप कोई भी काम करें, खाना पका रहे हैं, आप खाने में नमक की जगह चीनी डालने लग जाएं तो पास बैठा कम से कम समझ वाला बंदा भी आपको कहेगा कि ये क्या कर रही हैं आप। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इतने प्यारे मालिक को छोड़कर, खालिक कायनात को छोड़कर, जो रब भी है, न जाने क्यों गलती खाते हैं। क्या उसके सिवा कोई और रब हो सकता है? और हर दौर की जाहिलियत में रब हर उस कुव्वत को समझा गया जिसके हाथ में वसाइल रिस्क होते हैं, या माश के वसाइल हैं, या कोई और वसाइल इख्तियार होते हैं, जो ताज और तख्त पर बैठा हो, या किसी की फ़ौज के बलबूते पे गर्दनों को अपने सामने झुकने पे मजबूर करा दे। और इसी तरह मुल्क के तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करके वो ये समझे कि मेरी राया चूँकि मेरी मुख्ताज है, लिहाजा मेरी मर्ज़ी, मेरी इजाज़त, इसके बग़ैर ना इनको रोटी मिलेगी ना खाना मिलेगा। जीने का हक़ इनका ख़त्म कर दो, मैं जिसे चाहूँ ज़िंदा रखूँ, जिसे चाहूँ मार डालूँ, जिसे चाहूँ आज़ादी दूँ, जिसे चाहूँ क़ैद की दीवारों के पीछे फेंक दूँ। गोया कि ऐसे ताग़ूत लोगों को अपनी ज़िंदगियों और किस्मतों के मालिक ख़ुद को समझते हैं कि मेरे पास ये इख्तियार है। और कभी कभी कहीं और धोखा खाए लोगों ने, किसी को कहा कि ये किसी बहुत बड़ी कुव्वत का अवतार है। अवतार कहते हैं बहरूप को, यानी ये किसी के अवतार हैं। इस लिहाज से अब हुकूमत भी मेरी माननी पड़ेगी, पेशानियाँ मेरे सामने झुकेंगी और इनके दिल भी मेरे सामने झुकने चाहिए। याद रखिए जिन्होंने इक़्तिदार के ज़ोर पे लोगों को अपने आगे झुकाया, फिर जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो लोगों ने जाकर जूते फेंके उनकी तरफ कि अब आज बोलो आज तुम्हारे पास क्या है। बड़े से बड़े तबके में देख लीजिए, साहिब इक़्तिदार सियासत के नाम पे देखिए, मज़हबी तबका देखिए, हर जगह एक मिली भगत के साथ रबूबियत के दावे हैं। कह लीजिए कि हर एक ने रबूबियत का तौक अपने गलों में डाला हुआ है और लोगों के गलों में तौक डाल के उसकी रस्सियाँ अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम झुको हमारे आगे, हम तुम्हारे रब हैं। फ़िरौन ने क्या कहा था, ना रब्बुकुमुल आला। मिस्र के फ़िरौन हों या इराक़ के नमरूद हों, हर एक अपने आप को रब कहते थे। लिखिए लफ्ज़ फ़िरौन की जमा फ़िरौना और नमरूद की जमा नमारिदा, नमारिदा, ये सब अपने आप को रब कहलाते थे। इसी तरह से वो अपने इक़्तिदार को मज़हब के वास्ते से तूल देते थे, मज़हब को बीच में इस्तेमाल करके अपना इक़्तिदार बढ़ाते थे। और चूँकि उनकी इस रबूबियत में मजहबी रूबी होती थी, इसलिए हर लिहाज से वो कुछ ना कुछ मजहबी नुमाइंदों को भी अपने साथ शामिल कर लेते थे हुकूमत में। आज भी यही है, चंद लोग हुकूमत के हाथों में बिक जाते हैं, उनकी मर्ज़ी के फतवे, उनकी मर्ज़ी की बातें। और ये भी वहाँ जहाँ किसी को मज़हब की कोई परवाह हो। अमूमन तो आज आप देख लीजिए, पूरी दुनिया को देखिए, आपके इर्द गिर्द क्या जुमले लोगों से सुनवाए और कहे जा रहे हैं। क्या हम किसी को मज़हब की तबलीग की दावत नहीं देंगे, हम किसी के दीन को प्रमोट नहीं करेंगे। यानी चारों तरफ आप कीजिए कि एक क्योस है, हर बंदा आपको अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने भी सुना हुआ। हुकूमतें दावे करती हैं, देखो हम तुम्हें इतना सुकून नहीं दे रहे, देखो तुम इस मुल्क में कितने अमन से रह रहे हो। तो अगर बंदा कहे कि टैक्स भी तो हम दे रहे हैं, वो कहते हैं टैक्स किधर से देते हो और क्या करते हो, पे भी तो हम ही तुम्हें करते हैं। यानी सारी बात का खुलासा कीजिए। कहीं किसी ने सियासत के नाम पे बड़ा बनना चाहा, कहीं किसी ने मिनॉरिटीज़, यानी आज हम मुसलमान जिन मुल्कों में अक़लियतें बनकर जीते हैं, अगर आप देखिए तो वहाँ भी कई दफ़ा हम अपने हकूक़ को पामाल करके बैठते हैं, अपने दीन को और पाँव की नोक के ऊपर रख कर बैठते हैं। वो आपको नाम पे मज़हब की आज़ादी देंगे, खुद चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कह दें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी कह दें, लेकिन आपको वो अपना ग़ुलाम देखना चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाह, मैं हूँ, कोई नहीं तुम्हारा हो सकता। देखिए जब तक ये चीज़ पुख्ता न हो, आप जुर्रत नहीं कर सकते, लड़ते ही रह जाएंगे। और जो डरा वो मरा, कुछ नहीं उसके हाथ में रह जाता, क्योंकि जब तक आप अल्लाह ताला की ग़ुलामी में नहीं आ जाते। और वो कहते हैं ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, दिलाता है हज़ार सजदों से आदमी को निजात। जब एक बच्चा दुनिया में आता है, बहुत ही बेबस होता है, बल्कि बेकसी और बेबसी में इतना कमज़ोर होता है कि करवट नहीं पलट सकता। घरों में किसी न्यू बॉर्न बेबी को देख लीजिए, ना कोई चीज़ पकड़ सकता है, ना देख सकता है। लेकिन अल्लाह ताला है वो हस्ती, उस वक़्त कोई हुकूमत आपका बोझ नहीं उठाती। अल्लाह उस माँ के जिस्म के अंदर इतनी ताकत डालता है कि वो अपने पेट के बच्चे को थाम सके। और दुनिया में आने से पहले माँ बाप उस वजूद का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। माँ उसको प्यार से सीने से लगाती है, तो वहीं से उसके लिए ग़ज़ा फूट निकलती है। अल्लाह ताला जब ये सब कुछ करता कराता है, तो बताओ क्या बाद में नहीं कर सकता। वो कोई थे पंजाबी उर्दू मिक्स में एक स्कॉलर थे, नाम भूल गया, तो उनका मुझे एक जुमला याद आ गया कि बदबख्तो, जो ज़ात तुम्हें माँ के पेट के तीन अंधेरों में खिला सकती है, जब तुम्हें अल्लाह उम्मा कहना नहीं आता था, जब तुम्हें या रब्बी कहना नहीं आता था, जब वो वहाँ खिलाती थी, तो दुनिया से बाहर आते ही क्यों कहते हो कि पीरा दिता खाना, तो वो राज़क तो वो देना। दुनिया में आते, अल्लाह कुरान में कहते हैं कुतिलल इंसान उमा कफर मिन अय्यि शैइन खलक, मारा जाए ये इंसान। कुतिलल इंसान मुहावरा है अरबी का, मा कफर कैसा कुफर करता है, मिन अय्यि शैइन खलक, कभी तूने देखा तू पैदा कैसे हुआ, किस चीज़ से हुआ। और जितनी अकल आती है, जितनी आंखें खुलती हैं, जितने हवास काम करने लगते हैं, बंदा उतना रब से दूर हो जाता है। बच्चे को देखिए माँ के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, और एक वक्त आता है जब टांगे लग जाती हैं तो माँ बुलाती रहे, वो घर में भागता रहता है, उसको लगता है मैं माँ से मुकाबला कर लूँगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाह, मैं हूँ तुम्हारा रब, मुझे छोड़कर किधर जाओगे। चैन भी नहीं आता। देखिए जिससे प्यार हो उससे जुदा होकर चैन कोई नहीं आता। दुनिया मिल जाती है, बच्चे माँ की गोद से निकलकर जिधर मर्जी भागें दौड़ें, चैन नहीं मिलेगा। वो तो माँ की गोद में मिलेगा। तो ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यहाँ इस आयत पे एक बात नोट कीजिए, लफ्ज़ अल्लाह और रब इकट्ठा है, और आगे अगर हुआ के लफ्ज़ को अल्लाह से बदल दें तो पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर खालिक, चले मैं भी नजरें जमा रही हूँ, आप भी देखिए इस एक आयत में अल्लाह ताला के कितने अलस्मास हुस्सफ़ात हैं। मसला देखिए, ज़ालिकुम को छोड़िए, लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ रब, फिर एलाह, हुआ में ज़मीर है, असल में इसके आगे भी अल्लाह ही आता है। फिर आगे देखिए खालिकु कुल्ली शयइन खालिक, फिर फाबुदू में भी इबादत माबूद का लफ्ज़ है, और वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। सात अलस्माउल हुस्ना है, यानी यह नाम है या सिफ़ात अल्लाह की, और पूरी लाइन है एक बमुश्किल, जो ज़ात सात तरीके से तुम्हारे कामों को चला रही है, जो तुम्हें तुम्हारे हाथ के नाखून से लेकर आपके सर के बालों तक को, जिसने एक एक चीज़ ज़र्रे से कमाल तक पहुंचने का मौका दे दिया, तुम्हारे लिए ज़मीन के सीने खोल दिए, फसलें उगा दी, आसमान से पानी बरसा दिया, क्या तुम बड़े होकर उसी के ख़िलाफ़ बात करोगे? जब तुम्हारे अंदर अकल आ गई, समझ आ गई, तो तुम्हारी अकल ने यही फ़ैसला कर लिया कि देयर इज़ नो गॉड, ये फ़ैसला कर लिया कि ये है तो वो है, तो मान जाओ, सरेंडर करो, झुक जाओ। लेकिन बात यह है कि जो इंसान अल्लाह का दिया खाता है वो अल्लाह ही के ख़िलाफ़ बातें करता है। अना रब्बुकुमुल आला, फ़िरौन ने तो एक बार कहा होगा, और इतने कुछ के बलबूते पे कहा। आज हमारा नफ्स भी हमें दिन में कई बार कहता है मैं हूँ तुम्हारा रब्बे आला। और यहाँ से एक और बात भी नोट कीजिए कि बंदगी भी खालिक की जाए। अगर पूरी आयत छोड़कर मिडल वाले हिस्से पे नज़र जमाएं, खालिकु कुल्ली शयइन फाबुदु, बस पीछे हुआ को भी छुपा दें और बाहुआ आगे छुपा दें। ये जुमला बताता है कि बंदगी भी खालिक की जाएगी, यानी जिसकी भी बंदगी करें, और बंदगी में वही पूजा पाठ, सजदा, रुकू, क़याम, न्याज़बंदियाँ तो जिसकी करनी है उसके लिए शर्त है कि वो खालिक भी हो। तो क्या ये बुत खालिक हैं? क्या ये बुज़ुर्ग खालिक हैं? क्या ये मट्टी के मादू इंसान खालिक हैं जो तुम्हें डराते हैं और आपने आगे झुकाते हैं? और वो इंसान जिसके जिस्म में इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी बदबू है जिस्म के अंदर, क्या वो खालिक है? नहीं है, तो फिर बंदगी भी नहीं। यानी बंदगी सिर्फ खालिक की होगी, और वो अल्लाह जो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा रब है, तुम्हें ज़िंदगी के हर लम्हे में उसने थामा, हाथ पकड़ के आगे चलाया। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि शुक्र इसी का बजा लाओ, इसी की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारो, और ज़िंदगी को उसकी अमानत समझकर इसका हक़ अदा करो। ये जो लफ्ज़ है ना आखिर में आयत के, वहुवा अला कुल्ली शयइन वकील, तो वकील क्या करते हैं? वकालत करते हैं ना। अल्लाह भी कल आपसे आपको दी हुई सारी नेमतों का हक़ मांगेगा। तो ज़िंदगी की तन्हाइयों को आबाद कीजिए तो उस रब की याद से कीजिए। आपके सीने में याद हो तो उसकी हो, यानी आपके दिल की आबादी रब की याद है। और गैर मशरूत, ये भी लिखिए, गैर मशरूत इताअत करनी है। दुनिया वाले आपसे गैर मशरूत कराते हैं, अल्लाह की गैर मशरूत कीजिए, क्योंकि जब हम मान चुके कि खालिक वो, बंदगी उसी की। और बंदगी के लफ्ज़ में इतनी वुसअत है जो अब थोड़ी बहुत तो आपको समझ आ चुकी होगी, आगे भी आएगी जब आप मज़ीद सीखेंगे। आप देखिए कि जो शख्स किसी का बंदा होता है ना, वो अपनी मर्ज़ी का मुख्तार नहीं होता, उसकी कोई चीज़ अपनी नहीं रहती। या आज घरों में काम करने वाली मासियाँ या जॉब्स करने वाले मर्दों को आप बंदगी या ग़ुलामी पे नहीं क्यास कर सकते। वो तो 7 to 8, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे एक दिन के करते हैं, उसके बाद फारिग, घर जाकर वो जो मर्ज़ी करें, कोई नहीं रोकता। ग़ुलामी 24/7 की होती। लिखिए, पार्शल ग़ुलामी कभी नहीं हुई। कोई ग़ुलाम आज तक मैंने आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तारीख़ की किताबों में कि 24 घंटे में से 12 घंटे इनका ग़ुलाम था और बाकी 12 घंटे किसी और का ग़ुलाम था। शराकत नहीं होती थी इसमें, एक का ग़ुलाम। अल्लाह ने यहाँ ये बता दिया कि मैं अपनी इस सारी चीज़ों में चूँकि यकता हूँ, तो तुम्हें भी फिर मेरा ही बंदा बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम एक आका की मौजूदगी में दूसरे आका को मान लो। देखिए, एक औरत एक मर्द के निकाह में है तो दूसरे मर्द के निकाह में नहीं जा सकती, हालांकि वहाँ ग़ुलामी और इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन रिश्तों की नौयत होती है। तो फिर बंदगी का क्या मफ़हूम है? 5-6 चीज़ें लिखिए। बंदगी का मफ़हूम ये है, तुम्हारा सर भी उसी के सामने झुकना चाहिए, तुम्हारा दस्ते सवाल किसी और के सामने दराज नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, तुम्हारे सीने में किसी और के लिए इसके बराबर जगह नहीं होनी चाहिए। और अगली बात, पॉइंट्स में लिखेंगे तो नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। अगली बात, तुम्हारे दिल की धड़कनें इसी के लिए वक्फ रहनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट, तुम इबादत गाह में जिस तरह इसके सामने झुकने के मुकल्लिफ हो, इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में, सियासत करने के तरीक़ों में, निज़ाम तालीम में, तुम्हारी तहज़ीब, तुम्हारा अदब, तुम्हारी सकाफ़त, तुम्हारे रस्म व रिवाज, तुम्हारे हुकूमत करने के असूल, गरज़ के हर चीज़ में तुम इसी के रहनुमाई के पाबंद हो। अब ज़रा मैं चंद सेकंड खामोश रहूँ। ये 8-7 पॉइंट लिखाए हैं, इसमें कहाँ है ग़ुलामी और कहाँ नहीं। ये अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं बस नमाज रोज़ा नहीं अल्लाह के लिए, बल्कि जीना मरना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर चीज़ में मुसलमान बंदा हुआ। देखिए, किसी जानवर के गले में एक ही ख़ास लंबाई की 2 फुट कह लें 3 फुट की रस्सियाँ 5-6 डाल दीजिए ना, तो वो 5-6 रस्सियाँ किसी एक बंदे के हाथ में दे दें, बस वो एक रस्सी छुड़ाएगा तो दूसरी में बंधा हुआ है, दूसरी छुड़ाएगा तो दूसरी में, और तीसरी में। अल्लाह ताला अपनी किसी सिफत में शिरकत गवारा नहीं करता। अब इसको कोई अल्लाह ताला का बहुत अपने आप को बड़ा समझना कहे तो वो है बड़ा। अल्लाह अकबर व रब्बक फकब्बिर। हाँ, अल्लाह को हक है, इसमें क्या है? दुनिया में कोई ऐसा हो तो हम कहते क्या बात है, आप बहुत ही वो क्या अपने लफ्ज़ों में हम बोल देते हैं कि जी बड़े कंजर्वेटिव हैं आप, बहुत कुछ माएँ हैं वो अपने बच्चों को अपने काबू में रखना चाहती हैं तो लोग उनके बारे में गलत सलत बातें करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई शौहर अपनी बीवी को अपने लिए इस तरह नहीं झुका सकता। लेकिन अल्लाह को हक है, यस उसको हक है, क्योंकि वह अलमुतकब्बिर है, वो बड़ा है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। आप और मैं उसको कैसे पीछे डाल सकते हैं? तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। फिर नमाज भी उसी की पढ़ेंगे तो आइन और कानून भी उसी का होगा, अदालतों में कवानीन उसी के चलेंगे, मुल्क का हर इदारा उसके दिए हुए निज़ाम की रहनुमाई में काम करेगा, क्योंकि वो अला कुल्ली शैइन वकील, वो वकील है। कदम कदम पर वो तुम्हारा खैर। अब देखिए, दुनिया में लफ्ज़ वकील का सोचिए, पैसे देते हैं ना आप लॉयर के लिए, दे देते हैं उसको जितने वो कहता है, फिर कदम कदम पे वो आपकी वकालत करता है। वो आपसे ख़ुद पूछेगा, अच्छा सुनाओ, कोई एविडेंस बनाओ, कहीं ना कहीं से प्लस माइनस करते हुए वो आपके बारे में झगड़ेगा। तो जब आपने ज़िंदगी अपने रब के नाम कर दी तो कैसे हो सकता है कल वो वकील ना। जिस दिन आप अल वकील पढ़ेंगे आप रोएंगे कि अल्लाह मैंने तो सारी ज़िंदगी अपने मुकदमे दूसरों के आगे रखे, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मैं किसको सुनाऊं। और हमारा यहाँ वकील नाब है और हमारे यहाँ हुकूमतें हैं और इसी तरह की बहुत सारी बातें। जिस दिन सच्ची तौहीद समझ आ जाती है, आईना देखने का मज़ा उस दिन आता है। उस दिन बंदा आंखें अपनी आंखों से मिला के कहता है कि ठीक है मालिक, जो तू कहता है मैं बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह, तेरे सिवा मैं किसी को हाथ के आगे हाथ नहीं फैलाती। और जिसका वकील अल्लाह बन गया, वल्लाही वो ऐसी वकालत करेगा, क्या दुनिया में कोई लाखों रुपया लेकर कोई आपकी बात करे। आपके अपने बच्चे आपके वकील नहीं बन सकते, चाहे वो जितने मर्जी आप उनको खिलाएं पिलाएं। वो भी किसी वक्त आके कहेंगे मामा ऐसे नहीं करना चाहिए, मामा बड़ा गलत कर रही हैं। शौहर को जो मर्जी खिदमत करके खिलाइए पिलाइए, जो उसके साथ संजीदा हो, जिस दिन उसको गुस्सा आना है उसने आपको पकड़कर एक साइड पर कर देना है। सुबह से शाम तक घर चमकाते रहे, आके उन्होंने कहना है कि किया क्या तुमने सारा दिन। उसको वकील बनाइए। और जो वकील होता है ना उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती, ये भी नोट करें, आखिरी पॉइंट है। कदम कदम पे तुम्हारा खैर ख्वाह, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी हिफाजत करने वाला, तुम्हारे आमाल तक का निगरान है। उसने एक एक पिन तुम्हारी एक एक डॉट लिख लिख के रखा हुआ है, बराबर तुम्हारी निगरानी करता है। और तुम अपनी ज़िंदगी के किसी अमल में इसकी रबूबियत या इसकी हाकमियत में किसी को शरीक करोगे तो वो तुम्हारे नाम अमाल में लिखा होगा। इतना बारीक निज़ाम है उसके लिखने का, उसके अकाउंट्स इतने अप टू डेट हैं कि तुम सोच नहीं सकते कि क्या होगा, तुम उसकी निगरानी में हो। आज इंसानों ने दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें कर दी, जैसे आजकल हिकमतुल बालिगा की पहली असाइनमेंट जा रही है तो वो जो हमारे एडमिन हैं उनकी कुछ ना, अच्छा ये हो सकता है अच्छा ये हो सकता है। कुछ चीज़ों पे मुझे समझ आ रही, मैंने कहा होता है, मैंने कहा पूछ लें। यकीन कीजिए कि जो कहें वो हो सकता है। एक दफ़ा डाउनलोड करनी है तो एक ही दफ़ा करनी है। आपने देख के बंद कर दी, कोई और खोलता है, ये भी दिख सकता है। आप उसको सिर्फ देखें, डाउनलोड ना करें, ये भी हो सकता है। जब आप देखेंगे आपको आज गई है ईमेल, खुदा के लिए खोल के देख लें। आपसे सवाल होगा उसके बारे में कल की क्लास में। तो ईमेल को चेक करना चाहिए। आपको ऐसा LMS बनाना पड़ेगा कि जो आपकी ईमेलें भी आपको चेक कर दे। लेकिन ये मुमकिन है, बात ये कर रही हूँ, अल्लाह ताला बताता है कि तुम उसकी निगाहों में हो। और अगली आयत में यही बात समझ आएगी कि कैसे वो रब तुम्हारे एक एक कदम पे, एक एक चीज़ पे तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम उसको नहीं देख पाते। ये तो आगे होगा। यहाँ देखिए ज़रा लफ्ज़ी वजाहत क्या है इसके अंदर। कोई नया लफ्ज़ आपको दिख रहा है कि जिसको समझना मुश्किल हो तो देख लेते हैं। रब्बुकुम का लफ्ज़ नया है आपके लिए क्या? नहीं। अब रब के लफ्ज़ की कोई बात और समझ आई है? अल्लाह ताला के अल-इस्म, इस्म को देखकर रब को कितनी किस्म की रबूबियत होती है। रब किसको कहते हैं? अगर मैं आपसे एक जुमले में पूछूं, जी बाजी आपने लफ्ज़ रब सुना था बैठ के पूरी तवज्जो से फोकस होके? साइमा जी आपने सुना था? किसको? रब का सिर्फ एक जुमला जिस पे मैं उसने 15 मिनट से ज़्यादा बात की है। और ये रब के बारे में एक जुमला, जी जिसको आता है हाथ खड़ा करे और बोल दे। मैं इधर से आवाज़ खोलती हूँ, आप सब बोलिए। यानी जिसको भी पता है एक जुमला सिर्फ। यानी अगर कल कोई आपका नाम पूछे तो आप अपना नाम कहेंगे ना, मेरा नाम इफ़त है। आप ये तो नहीं कहते लंबी चौड़ी कहानी कि ये वो, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो एक जुमले में आप बोलिए। अब हमें आपकी आवाज़ आएगी, सभी बोल दें। शाबाश। ज़र्रे को कमाल तक पहुँचाने वाला, ज़ालिकुम रब्बुकुम, तरबियत करने वाला, नश्व नुमा देने वाला, बीज को दरख्त में बदलने वाला। कल अनार खा रहे थे हम लोग तो मैं इनको दिखा रही थी क्या कोई कुछ करे। इन्होंने मुझे उसी वक्त खोल के ना कंप्यूटर से तो दिखाया, आपका प्यारा फेवरेट प्याज। प्याज कैसे बनता है दिखाऊंगी किसी क्लास में। मैंने कहा मुझे वीडियो भेज दें। लहसुन, ज़र्रे को कमाल देने वाली ज़ात वो रब है। आप कल क्या थे, आज क्या बन गए? ये गोद के बच्चे हर एक महीने बाद इनके कपड़े के छोटे हुए होते हैं। तो रब तरबियत से, आखिरत में गुनाहों को बख्शने वाला परवरदिगार। और रब के साथ जब दूसरा कोई लफ्ज़ आ जाता है तो मालिक का मानी, जैसे घोड़े का मालिक होगा तो वो आप कह लें कि रब्बे घोड़ा, रब्बल बैत, रब्बल बलद। आपको हज़रत इब्राहीम की कहानी में सुनाया था कि उस दौर का जो देवता या बुत होता था उसको रब्बुल बलद कहते थे। किसी को याद आ रहा है क्या था? उर का नन्नार और चांद से क्या था? याद नहीं रहती ये चीज़ें, दिमाग में और बहुत कुछ है। घर भी खाली करें, दिमाग भी खाली करें, पूरे दिल दिमाग के साथ सुना करें और दिल में वो चीज़ें रहेंगी। चाँद बंसी याद है, सूरज बंसी याद है। चलिए अब लिखिए, आगे देखिए। कुल्ली, कल वज़न बोझ, आजिज़ होना। कलाला लफ्ज़ इसी से था, ज़ुबान का कलाम से आजिज़ हो जाना। यानी बेसिकली इसकी मैंने आपको डिटेल बहुत अभी थोड़े दिन पहले दी है, इसलिए अभी नहीं दे रही। जो लिखी हुई है उसको बाद में लिख लीजिएगा। फ़ाबुद में क्या, ये तो इबादत की बातें करते भी हैं और आगे भी हमने करनी है बहुत सारी। किसी के सामने ज़िल्लत और इनकिसारी का इजहार करना। अब्द, आबिद, अब्द कहते हैं ग़ुलाम को। ये बताइए कि हमने अल्लाह के अब्द बनना है या आबिद बनना है? जी बाजी, जी साइमा जी, क्या फ़र्क है अब्द और आबिद में? बाजी जी, आसिया जी आप बोलिए फ़ौरन। आप लोग ऐसे अलर्ट होकर क्लास में बैठा करें कि विद इन सेकेंड बात करें। जी आसिया जी, अब्द और आबिद का फ़र्क बताइए। फ़ायज़ा जी आप बताइए, सईदा आप बताइए, मारिया आप बताइए, मरियम आप बताइए। जो बोल दे मैं खामोश हो जाऊँगी। जी ताहिरा जी आप बताइए, कुलसुम जी आप बताइए। उस्ताद जी मेरे ख्याल से कि आबिद तो इबादत करने वाला, लेकिन अब्द तो वो जो पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की गुलामी में और जो हर काम ही अल्लाह ताला की मर्जी में। देखिए अल्लाह ताला के नामों के दौरान आप इस चीज़ को जहन में रखें, आबिद जिस वक्त कोई इबादत कर रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप उस वक्त आबिदा हैं, ठीक है, नमाज ख़त्म तो आबिदा ख़त्म, लेकिन आप अब्द बनती हैं तो वो टाइम और उसकी कैफियत से बिल्कुल आज़ाद होता है। तो जब आप अल्लाह के अब्द बनते हैं तो फिर आपका वो वक्त ही अल्लाह का ही हो जाता है, पूरा 24/7। आपको ये फीलिंग आती है पढ़ते हुए कि अल्लाह को कोई पार्शल चीज़ नहीं पसंद, वो पार्शल की चीज़ें पार्शल के दर्जे पे हैं, जो जन्नत के 100 दर्जे ना पूरे आखिरी दर्जे उनके लिए हैं कि जो 100% अल्लाह ताला के अब्द बनने की कोशिशें करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए लफ्ज़ वकील, वकला से वकालत, तवक्कुल, ये सब कुछ इसी में आता है। खुलासा करते हैं क्या देखा इस आयत में, अल्लाह ताला हमारा परवरदिगार है और सबका खालिक है, इसी की इबादत और इसी की वहदानियत का इकरार करना है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, हर काम की तदबीर वही करता है, सब की रोज़ी उसी के ज़िम्मे, वो हर चीज़ का खालिक है। अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह ताला की हस्ती हमारे हर काम के लिए ऐसे है जैसे कि हमें ज़रूरत थी, बंदगी भी उसी की और उसकी निगरानी को भी लेना है। इसी तरफ देखिए कि फ़्लो चार्ट है कि अल्लाह ताला बहुत बुलंद शान वाला है, वो खालिक और राज़िक है, वो बेहतरीन मुदब्बिर है, केयर टेकर, और वो बेहतरीन निगहबान है। हमने क्या सीखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने इंसान को नुतफ़े से कमाल तक पहुँचाया, और अगर हम अपनी ज़ात पर और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गौर करें तो हर चीज़ में अल्लाह की नेमत और उसकी शान दिखती है। लिहाजा उस हस्ती को छोड़कर किसी और के आस्ताने पर झुकना या जाना, सर झुकाना गुनाह कबीरा है, और अल्लाह ताला खालिक होने के नाते हमारी रग रग से वाकिफ़ है, इसलिए हमें हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का मानना है। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि इस आयत में जब ये कहा ना कि ये है वो तुम्हारा रब, ये है वो तुम्हारा मालिक, तो इसको पढ़ते सुनते वक्त तो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि हमें किसी ने अल्लाह ताला के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया है कि अपने आप को देखो, अपनी हस्ती को पहचानो, अपनी औकात को देखो। अल्लाह ने तुम्हें जब पैदा करने में किसी कमी में नहीं छोड़ा तो तुम उसके बंदा बनने में उसके साथ क्यों नहीं होते। और याद रखिए कि जब आपका म्यार बदल जाता है, जब आप कुरान से जुड़ जाते हैं तो आपको अपनी भी कदर आती है। फिर ऐसे इंसान अपने आप को बड़े से बड़े कामों में लेकर भी बहुत छोटा सा समझता है। तो यहाँ तक बात करके आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आप बताता है कि मैंने अपनी इतनी निशानियाँ तुम्हें दुनिया में दिखा दी हैं कि अब मैं तुम्हें दिखूं कि ना दिखूं, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। शिर्क की एक बहुत बड़ी वजह ये भी लोगों ने दी कि वो दिखता नहीं है, वो नज़र नहीं आता, हम उसको कैसे ढूंढें, और फोकस नहीं हो पाता, नज़र सामने नहीं होती, मिलती नहीं, आई कांटेक्ट नहीं होता, बहुत सारी बातें लोगों की ज़ुबानों पे रहती हैं। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 103, अल्लाह ताला बारीक बीन है और हमारे आमाल से बाखबर है। और दूसरा इसका लिखिए कि ख़ुद नज़र नहीं आता मगर उसकी निशानियाँ बिखरी हुई हैं। लफ्ज़ी तर्जमा, ला तुद्रिकुहुल अब्सार, नहीं पा सकती इसको निगाहें, वहुव युद्रिकुल अब्सार, और वो पा सकता है निगाहों को, वहुव और वो अल्लतीफ़ बारीक बीन, लुत्फ़ वाला, लुत्फ़ करने वाला, भेद जानने वाला, अल-ख़बीर ख़बरदार है। बामुहावरा तर्जमा देखिएगा, ला तुद्रिकुहुल अब्सार वहुव युद्रिकुल अब्सार वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, इसको तो किसी की निगाह मोहित नहीं हो सकती, यानी ये हाथा नहीं कर सकती किसी की निगाहें इसका, और वो सब निगाहों को मोहित हो जाता है, यानी वो सबकी आंखों को देखता है, और वही बड़ा बारीक बीन बाखबर है। ये है वो आयत जिसको उलामा इकबाल ने भी कहा ना कि कभी तो पर वो कुछ ऐसे कि तू निगाहों में नहीं समाता, कुछ और दिल में समा जाता है, यानी अल्लाह की ज़ात नज़र क्यों नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोगों ने हर रंग में किया। बच्चे भी पूछते हैं हम अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते, अल्लाह है तो फिर हमें नज़र आ जाए। तो पिछली आयत में देखिए लफ्ज़ ज़ालिकुम कहा, ज़ालिकुम क्या होता है, ये है। अब मैं आपसे, आप मुझसे पूछते हैं फ़ोन किधर है, मैं आपसे कहूँ ये है, माइक किधर है ये है, लैपटॉप है ये है, किताब इधर कहूँ ये है। और अगर आप मुझसे कहें कि किताब है, या आपको आप मुझसे पूछते हैं कि कोई भी मिसाल ले लीजिए जो चीज़ यहाँ नहीं, पहाड़ इधर है, तो मैं कह सकती हूँ ज़ालिकुम। तो ज़ालिकुम, ज़ालिका, ज़ालिकुम, ज़ालिकुम क्या है, इसम इशारा। पिछली आयत में कहा ज़ालिकुमुल्लाहु, तो ऐसे लग रहा है कि इधर ही है कहीं। तो बंदा पूछता है किधर है, दिल में एक सवाल आता है। पिछली आयत से इसका रब जोड़ रही हूँ कि पिछली आयत में लफ्ज़ ज़ालिकुम से लग रहा था कि अल्लाह ताला इधर कहीं करीब ही है, और वो इतनी खूबियों का मालिक है, उसने हमें इतना कुछ दिया, और रबूबियत की वो सारी कैफियत जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि 6 चीज़ें जो थी कि वो साहिब इख्तियार है, तदबीर और इंतज़ाम करता है, हिदायत देता है, वो मालिक है, हुक्म मनवाने की पोजीशन में है, आप ऐसा निज़ाम देता है जिस पे बंदे चलें। लेकिन आप कहते हैं किधर है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ला तुदरिकुहुल अब्सार, वो निगाहों में नहीं समाता। वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का शेर याद नहीं आ रहा, लेकिन ख़ुलासा उसका कि कभी तो मजाज के पर्दे में बाहर आ, यानी हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने बे न्याज़ पे, या मेरी जबीने न्याज़ पे, यानी कि कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि अल्लाह तू मेरे सामने आ तो मैं तुझे सजदा करूँ, मैं तो अभी मजाज में, तू पर्दा मजाज में छुपा हुआ है, तू पीछे है। और याद रखिए कि अल्लाह के बारे में कोई बात कहते हुए 10 दफ़ा सोचिए। ये जो कहते हैं अंदर आ गया, बाहर आ गया, अल्लाह हलूल कर गया, अल्लाह हर जगह गलत है। अब आप देख लेंगे इंशाल्लाह कुछ महीनों में आपके ये सारे कॉन्सेप्ट शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी में गलती से लोगों ने ठोकर खाई है। तो जब आप अल्लाह ताला को खालिक मालिक समझ लेते हैं, उसकी बंदगी की दावत दी जाती है, और आपके दिमाग में सवाल आता है कि अल्लाह कौन है, किधर है, तो कल्ला तुदरिकुहुल अब्सार। लफ्ज़ तुदरिक लफ्ज़ बड़ा अहम है, इस पर गौर करेंगे। आम बात तो इसका मफहूम ले लें कि इससे क्या मुराद है ला तुदरिकुहुल अब्सार। तो आम बात तो यही है कि अल्लाह की निगाह, इंसान की निगाहें रब को नहीं पा सकती, क्योंकि एक फ़ानी वजूद के लिए यह मुमकिन ही नहीं है कि वो अज़ली और अबदी ज़ात का इदराक कर सके। इसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए भी अल्लाह ताला को देखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उसके ज़िम्मे जो कुछ लगाया है ना, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह को देखें। देखिए मिसाल से समझिए, आप किसी से कहते हैं लो इस बच्चे को जाकर साफ़ सुथरा करो, तो बच्चे को पकड़कर उसका मुंह धुलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कितना बड़ा है, कौन से कपड़े पहनाएंगे। अब बच्चा ना हो सामने तो वो कहेगा कैसे धुलाऊं, कहाँ धुलाऊं। तो ये ज़िम्मेदारी है जिसको देखना पड़ता है, हाथ में लेना पड़ता है। अल्लाह ने आपको मुझे कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं दी कि जिसके लिए हम अल्लाह के वजूद को देखें। ये बहुत बड़ा नुक्ता है इस आयत में, अगर आप गौर करें तो। इंसान निगाहों से रब की निशानियाँ पा लेता है, उसी से जान लेता है। बस खुशबू, खुशबू को पकड़ने की ज़रूरत होती है, खुशबू को फ़ील किया जाता है, महसूस किया जाता है। गर्मी, सर्दी, हवा, हर अच्छी बुरी चीज़ जिसको सिर्फ आप महसूस कर लेते हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं। तो इंसान निगाहों से रब की निशानियाँ पा सकता है, इसी से इसको जान लेना चाहिए कि इंसान के अल्लाह ताला मखसूस सूरत में नज़र नहीं आता। और वैसे भी एक और बात है कि जिसकी अज़मत होती है ना, बंदा उसको निगाहें नहीं मिलाता। अल्लाह की अज़मत और उसके जलाल और कमाल की बिना पर निगाहें इसका इदराक नहीं कर सकती, यानी किसी की आंखों में ये ताकत ही नहीं कि इसका इहाता करें। अब थोड़ा सा पहले लफ्ज़ इदराक को देखिए, फिर बाकी आयत पे चलेंगे। आमतौर पे इधर क्या होना चाहिए, और मैं अक्सर जब भी आयत पढ़ती थी तो सोचती थी कि ला तुदरिकुहुल अब्सार की क्या ज़रूरत थी। ये कहा जाता आंखें उसको देख नहीं सकती, बात समझ रहे, यानी यहाँ लफ्ज़ी तर्जमा देखना नहीं है। देखने के लिए क्या लफ्ज़ आता है, बोलिए, बसर से है ना, देखना, बसीरत। यहाँ ये तो नहीं कहा कि ला तुबसिरुहु, तुम उसको नहीं देख सकते। ला तुदरिकुहु क्यों है, तो लिखे लफ्ज़ इदराक। दारा का याद रुक, उर्दू में भी हम बोलते हैं। इदराक के दो मानी, जैसे अदरक लिखते हैं ना, तो वो अलिफ पीछे ले जाएंगे, बाहर वाली अंदर, तो इदराक बन जाएगा। इसके दो मानी, एक होता है देखना और दूसरा होता है अहाता करना, एनकम्पन्स कहते हैं इंग्लिश में इसको। यानी निगाहें अल्लाह को देख नहीं सकती क्योंकि वो इंसानी निगाहों में वो कुव्वत ही नहीं है कि जो इसकी ज़ात का इदराक कर सके। देखिए कभी कभी चीज़ होती है सामने लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। मसलन सूरज की तरफ आप देख सकते हैं नहीं, अब इस वक्त क्लाउड्स हैं, इसके ऊपर आसमान है ना, हमें पता है लेकिन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि बीच में बादल हैं। तो इंसानी निगाहों में वो कुव्वत ही नहीं है कि जो अल्लाह की ज़ात का इदराक कर सकें, इसके जमाल और इसके जलाल का तहम्मुल कर सकें। एक मखलूक अपने खालिक के दीदार को कैसे सहार सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिसे अल्लाह से मोहब्बत नसीब हो जाती है ना, तो वो हर मोहब्बत करने वाले और चाहने वाले की तरह अपने रब को देखना चाहता है, जिसको कहते हैं ना विसाले महबूब। मोहब्बत करने वाला इंसान रब का विसाल चाहता है, वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह मैं अपने रब को, अपने महबूब को पाऊँ, उसको देखूँ। और दुनिया में सारी फिल्म इंडस्ट्री इसी असूल पे चल रही है ना कि मोहब्बत करने वाला अपनी महबूबा के पीछे धक्के खाता है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की सूरत में जिसको हो जाती है, उसको रब को अपनी इन आँखों से देखना ये दुनिया में नसीब नहीं होगा। आम लोग कहते हैं कि मैं एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा जीऊँ और मरूँ फिर भी मैं तेरे साथ ही रहूँ, ये ख्वाहिशात होती हैं ना। और मिर्ज़ा गालिब का बड़ा मारूफ शेर है कि ये ना थी हमारी किस्मत में कि विसाले यार होता या विसाले सनम होता, कुछ और जीते होते यही इंतज़ार होता। यानी वो तो दुनियावी महबूबा के लिए कह रहे होंगे ना, लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत तो सबसे पाकीज़ा और सबसे अजीम जज्बा है। जिसे ये नसीब हो जाता है फिर उसके शौक़ का क्या ठिकाना होगा। 1000 अदब माने हो, दिल तो इसी के लिए मचलता है। और मिसाल मौजूद है कुरान में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब थे, इसीलिए इस जज्बे के हाथों मजबूर होकर जुरत कर बैठे कि या रब मुझे अपने दीदार से नवाज़। सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं और डिटेल्स अब आगे सूरत अल आराफ में आने वाली हैं। रब्बी आरिनी फ़ानज़ुर कैफ़ा, हज़रत इब्राहीम ने कहा था रब दिखा मैं कैसे तो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो मूसा को अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अगली सूरत में हम पढ़ेंगे लन तरानी, तो हर किस मुझे नहीं देख सकेगा। और महज तसल्ली के लिए कहा कि पहाड़ को देख लो जो अपनी संगीनी और मजबूती में अपनी मिसाल आप है। पहाड़ अगर मेरी एक कह लीजिए कि नज़र को या मेरे जलवे को बर्दाश्त कर सका तो तुम भी कर लोगे। और एक इंसान की इस्तकामत ज़ाहिर है कि पहाड़ की जितनी तो नहीं हो सकती, तो अगर अपनी जगह पे खड़ा रहा तो करे। लेकिन हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में फलम्मा तजल्ला, जब अल्लाह ने उस पर तजल्ली की रेजा रेजा हो गया। फसाई का मूसा फ़खर्र मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। तो क्या पता चला कि इंसान चाहे वो मूसा कलीमुल्लाह जैसा पैगम्बर ही क्यों ना हो, वो भी अल्लाह को देखने का हौसला नहीं रखता, उसके दीदार का तहम्मुल नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसे नहीं पा सकती। लेकिन सही अक़ीदा, अहले सुन्ना वल जमात का सही अक़ीदा क्या है कि क़यामत में अहले जन्नत जन्नत में अल्लाह का दीदार करेंगे, जब अहले जन्नत को हर तरह की नेमतों से नवाज दिया जाएगा और इनकी खुशियाँ और इनकी मसरतें इंतहाओं को छू रही होंगी। अचानक एक दिन एक आवाज़ आएगी कि या अहलल जन्ना, ए जन्नत के वासियों क्या तुम्हें किसी और नेमत की ख्वाहिश है ताकि हम तुम्हें वो भी दे दें। तमाम अहले जन्नत कहेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक, या अल्लाह यहाँ वो कुछ पाया जिसको किसी आँख ने देखा नहीं। फ़ला ताअलम नफ़्सुम मा उख़्फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, और यहाँ तो वो नगमे हमारे कानों में आ रहे हैं जो किसी कान ने सुने नहीं। दिल दिमाग को इन नेमतों की खुशियों से तूने इतना भर दिया कि कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अब और कौन सी नेमत रह गई है जिसकी हम ख्वाहिश करें, क्योंकि नेमतें गालिब आ गई और हमारी ख्वाहिशात मगलूब हो गई। यानी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना अब सारे सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब बेशक मौत आ जाए। और इतने में फिर आवाज़ आएगी कि एक नेमत अभी बाकी है, और फिर दरमियान से एक पर्दा हट जाएगा। फिर परवरदिगार अपने हुस्न व जमाल की ताबानियों के साथ सामने जलवा फरमा होंगे। अहले जन्नत अपने परवरदिगार के दीदार से आंखें रोशन करेंगे और ऐसे मसरूर कुन होंगे ये सारे लम्हे कि जन्नत की नेमतें बिल्कुल हेच लगेंगी उस वक़्त। लेकिन दुनिया में इस नेमत की सिर्फ चाहत पाली जा सकती है, इस नेमत को हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ला तुदरिकुहुल अबसार, उसको आंखें नहीं देख सकती। वह हुआ युद्रिकुल अबसार, वो देख लेता है, वो तो एक एक लम्हे देखता है, उसकी तो नज़र दिलों पे, इरादों पे है। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, वो तो सीने में उठने लगे ख्याल को भी हासिल कर लेता है। अब एक सवाल उठता है इसमें, और वो क्या है कि इस नेमत को हासिल नहीं किया जा सकता अगर, लेकिन जन्नत में चूँकि ये नेमत मिलने वाली है, तो ये बताइए कि निगाहें तो उसे देख नहीं रहीं, तो फिर अहले जन्नत उसे कैसे देखेंगे? तो इसलिए यहाँ देखने का लफ्ज़ नहीं बल्कि इदराक का लफ्ज़ आया। यानी दुनिया में तो देख भी नहीं सकती थी, क़यामत के दिन देखेंगी लेकिन अहाता नहीं कर पाएंगी। कितनों को मसला समझ आ गया। यानी एतराज़ करते हैं लोग इस आयत पे कि ला तुदरिकुल अबसार, तो फिर जन्नत में कैसे होगा ये नज़ारा? ये जो भी मैंने आपको सुनाया, तो उसका जवाब क्या है कि क़यामत वाले दिन बस इतना को फ़र्क होगा कि देख लेंगे, एहाता फिर भी नहीं कर सकते। ये मुराद है इसका। लफ्ज़ इदराक यहाँ बड़ा ज़ुमानी लफ्ज़ है। दुनिया में देख भी नहीं सकते, क़यामत में देख तो लेंगे लेकिन अहाता नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है अदब और मोहब्बत और शान, और कभी जज्बातियत। और एक बात कहूँ, किसी को बड़े प्यार से चाहते हो ना, तो जब वो सामने आ जाता है ना, तो आंखें इतनी गीली हो जाती हैं, धुंधलापन हो जाता है, नज़र भर के नहीं देखता बंदा। कभी एयरपोर्ट पे मंज़र तो देखा करे जुदाइयों के और मिलने के। 10 साल से किसी को ना देखा और उसको एकदम देखें तो आंखें इतनी रो पड़ती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तमाम मखलूक जो पहले दिन से आज तक पैदा हुई है और क़यामत तक पैदा होगी, वो सब जमा होकर अल्लाह की ज़ात का अहाता करना चाहें तो नहीं कर सकते। क़यामत में दीदार तो होगा, अहाता फिर भी नहीं होगा। ये बड़ा अहम जुमला है जो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। दीदार खुदाबंदी होगा लेकिन इदराक खुदाबंदी वहाँ भी नहीं होगा। कोई ये ना सोचे कि जन्नत में जाकर हमको बड़े ही सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल होंगे, वहाँ भी अल्लाह ताला का हक सबसे ज़्यादा होगा। अब एक और एतराज़ इस पे होता है कि क्या मेराज के सफ़र में अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा था? तो हज़रत आयशा की रिवायत आप पीछे भी सुन चुके होंगे, कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी से ये सवाल किया था आयशा ने, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आयशा, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ, मैं कैसे उसको देख सकता हूँ, वो तो एक नूर है। चलिए यहाँ बात तो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन आगे जाएंगे तो सूरत नजम में फिर ये मौजू खुलेगा। तो उसकी वजह से कुछ अहले इल्म ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा था, लेकिन वो सर की आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से देखा था। सभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सिदरतुल मुंतहा तक आपको ले जाया गया। कायनात बड़ी इज्जत से लोगों को बुलाकर उस आलू शरीफ को दफन करके वह मज़ार शरीफ बना दिया। क्या खूबी है हमारी उम्मत की, इतनी कामयाब उम्मत और इतने अक्लमंद लोग। मैं कहती हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को आप दे दीजिए, एप्पल वालों को ऐसे दिमाग दे दीजिए, आप सैमसंग को दे दीजिए, ये 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए जितना हमारा देसियों का दिमाग चलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बेकार बातें हैं, ऐसी चीज़ों को कभी ना सुने। फला जगह ये हुआ, बादल में अल्लाह का नाम। मैंने कहा मुझे तो हर जगह दिखता है। और ऐसी चीज़ें आप लिख के तो ज़रा देखिए, 2-4 लफ्ज़ गूगल में करें और या यूट्यूब पे लिखें, आपको 20 चीज़ें मिलेंगी। चाय की पत्ती से अल्लाह का नाम, आप उसको धोऊं के ना, फिर मसले पूछते हैं, अब ये पानी में जाऊँ, इसको दबा दूँ, इसका क्या करूँ। किसी ने अपनी उंगली पे कुछ दिखाया, किसी ने कुछ, तो अल्लाह कहते ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। इंसान की निगाहें रब को नहीं पा सकती, लेकिन रब इंसान को पा लेता है। कैसे पा लेता है, रब का क्या इसमें कमाल है? तो बात यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम देखो। और ज़रा सा सोचिए इसके आगे ये टॉपिक क्या है कि अल्लाह हर चीज़ को देखता है। कोई चीज़ जो आप शुरू से डे 1 से मेरा आले सुनते आ रहे हैं वो है इधर। तकवा क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। तकवा की असल क्या है? अल्लाह इज वॉचिंग मी। ये है असल बात यह है कि तुम देखो कि तुम अपने अल्लाह के बारे में यकीन करते हुए ये बात कभी ना भूलो कि वो तुम्हें देख रहा है। वो याद कीजिए बच्चे वाली मिसाल कि सुबह शाम उसके चाचा मामा ने सिखा दिया कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बच्चों की तहज्जुद यही होती है। और ये ऐसे उसके लाशऊर में चला गया कि उसके बाद वो बच्चा बाद में बहुत बड़ा एक आलिम बना। कहता है मुझे सब वक्त ये बात याद आती थी, अल्लाह देख रहा है। अगर आप ये सोच अपने बच्चों को दें, आज जवान होते हुए बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे या मासूम बच्चे, ये तीन ही सूरतें हैं ना, आप उनको ये फीलिंग दे दें, इस आयत की उनको समझा दें कि देखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम उसको नहीं देखो। आज लोग कहते हैं कैमरे की आंख निगाह आपको देख रही है, यू आर बीइंग वॉच्ड है। तो अल्लाह ताला की नजरों में हो। एक तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, जैसे देखने के मानों में सी टू सी, बसीर, बसारत। लेकिन एक और भी है, वो तुम्हें देख रहा है। कैसे देखता है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी नजर करम है अपने हर बंदे पे। कल रात को जब रहमत का टॉपिक शुरू किया मैंने, और आज इंशाल्लाह हम उसमें मजीद चीज़ें लेंगे, लफ्ज़ रहमान, रहीम और बाकी नामों में, तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि अगर सिर्फ इतने एक लेक्चर को मेरा सिर्फ सुन लेना तो उसने सारी नेकियां छोड़ देनी है कि है ही इतना रहमान, है इतना रहीम, उसकी रहमत ही बड़ी है, उससे तो मायूस ही नहीं करना, तो बस जन्नत ही जन्नत है। और बात भी सच है। देख लीजिएगा, अल्लाह ने अच्छे बंदों की मौत के वक्त कोई ना कोई ऐसी बात करवा देनी है उनसे कि वो बख्शे जाएंगे। आपको मुझे क्या जरूरत है किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस करने की? लेकिन जब किसी मोहब्बत, अब इसको आप इस एंगल में लीजिए, पीछे जो बात की थी कि जिससे मोहब्बत होती है बंदा उसको देखना चाहता है। लिखें जरा दो चार जुमले और ये सबको समझ आ जाएंगे बड़े आराम से। पिछली सूरत क्या थी कि किसी से आपने मोहब्बत की तो आपका दिल बेचैन है, उसको देखें। ऐसे ही है ना, वो तो मुमकिन नहीं, सॉरी पीछे कर दें, दिल बेचैन है, उसको देखें। अब उसका ऑपोजिट है, वो तो मुमकिन नहीं, सॉरी पीछे कर दें अपने इस सोच को। अब उसका ऑपोजिट है, तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो तुम्हें देख रहा। कौन सी बात अच्छी है बताएंगे? आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप ही उससे मोहब्बत करते रहें, या आपका दिल करता है कि वो आपसे भी मोहब्बत करे? यहाँ वो अंदाज है कि तुम नहीं उसको देख पा रहे, लेकिन फिक्र ना करो, तुम अपने महबूब की निगाहों में हो, उसकी निगाह तुम पर है, वो तुम्हें हमेशा अपनी निगाहों में रखता है। और जो मोहब्बत करते हैं ना, उनके लिए एक बात नशे की होती है। वो कहते हैं ना कि गो सरसरी ही देखते हैं, देखते तो हैं, हम खुश हैं कि हैं किसी की निगाह में। तो अल्लाह तो अलीम और ख़बीर है। यानी अल्लाह ताला के इस आयत के आखिरी जुमले में आप देखिए जो है कि अलीम भी है, ख़बीर भी है। अल्लाह ने अपनी पिछली बात की दलीलें दे दी हैं कि तुम उसे नहीं देख रहे, कहा इसलिए नहीं देख सकते कि वो लतीफ़ है, और लतीफ़ चीज़ निगाहों में नहीं आती। मैं आपसे पूछूं, कोरोना वायरस दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा, क्योंकि वो आंखों से छोटा है। और जब बेबी एक जरसूमे की सूरत में होता है तो आपके आंख की वो पुतली में नहीं आ सकता, कई गुना बड़ा कर कर के उसको आपको स्लाइड्स में दिखाया जाए तो देखें। तो लतीफ़ चीज़ निगाहों में नहीं आती। और लतीफ़ कसीफ, थिक, यानी लतीफ़ लुत्फ़ से, सॉफ्ट, थिन, ट्रांसपेरेंट चीज़ हो, इधर कहीं जाला लगा हो, बारीक सा नहीं दिखता। कसीफ़ वो चीज़ होती है जिसको हवास महसूस कर सके, और लतीफ़ चीज़ को हवास महसूस नहीं कर सकते। अलबत्ता जो लतीफ़ चीज़ है, अगर उसको महसूस करना हो तो ज़रूर है क्या कि कसीफ़ को इसके साथ लगा दिया जाए। कितनों को समझ आई ये बात? आपको मैं मिसाल देना चाहती हूँ, जैसे खिड़की में जाला हो, ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन आप पीछे एक ब्राउन कागज़ लगा दें तो वो दिखेगा। यानी बहुत थिन चीज़ के बैग पे एक स्क्रीन डाल दें तो वो चीज़ उस पर दिखती है। पता क्या चला कि अल्लाह अल्लतीफ़ है, तुम उसको नहीं देख सकते, उसके साथ थिकनेस हो जाएगी तो फिर तुम उसको देख सकोगे। क्या पता चला कि अल्लाह की ज़ात ने अपने आप को इतना लतीफ़ किया। अब यहाँ फिर अल्लाह ताला के नाम अल्लतीफ़ की बातें जब पढ़ेंगे तो आप इस आयत को लिख लें अभी, कि इसमें से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हवा चलती है ना, नज़र आती है? नहीं दिखती। जैसे बहार के अंदर हवा नज़र नहीं आती, लेकिन उसका एहसास होता है। फिर जब चमन में आप जाते हैं, पत्तों से टकराती है तो हवा महसूस होती है। अब ये बात समझ आएगी जो मैं लतीफ़ और कसीफ़ की कह रही हूँ, समझिएगा। वैसे हवा चले तो नहीं नज़र आती, लेकिन जब वो हवा टकराती है पत्तों से तो समझ आती है ना कि यहाँ आज हवा चल रही है। आपकी खिड़कियों में से झों 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 की आवाज़ें आती है ना, वाइब्रेशंस होती है ना, तो फिर एहसास होता है। और जब वो हवा फूलों से छू कर गुजरती है और उसके अंदर से खुशबू भी साथ ले आती है तो अपना एहसास दिलाती है। अब लिखिए वो जुमले जो अल्लाह की ज़ात के लिए बोलने लगी हूँ, बड़े अहम जुमले हैं। ज़रा सी गलती खाएंगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। अल्लाह की ज़ात जो के हर तरह की कसाफत से पाक है, यानी लतीफ़ का अपोजिट कसीफ़, कसीफ़ से कसाफत, समझ गए ना, मैटर, मादा, यानी जैसे आप कहें कि लोहा और चांदी, मट्टी, ये कसीफ़ चीज़ें होती हैं। अल्लाह नहीं, अल्लाह नूर उस्समावात, वो ट्रांसपेरेंट है, वो नूर है, वो क्या, हमें कोई उसकी कैफियत भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात हर तरह की कसाफतों से मावरा और पाक है, और फिर इसकी लताफत भी एक मखलूक जैसी लताफत नहीं है। कुछ ना कुछ तो महसूस होती है ना इंसान को मखलूक की चीज़ों में, ट्रांसपेरेंसी सही, अल्लाह तो इससे भी लतीफ़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे कान, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि तुम अल्लाह के वजूद को महसूस करो। देखिए स्मेल से आप बच्चे को, बच्चा माँ को महसूस करता है ना, आप किसी बंदे के करीब होते हैं, उसकी सांस की आवाज़ से आपको पता चलता है कुछ है। आपके मेरे जो हिस्से, मेरी हिस्से हैं ना, हमारी 5, इनकी लीस्ट वैल्यू पे कर दें, उससे भी इतना लतीफ़ है वो कि आप उसको देख नहीं सकते। एक मिसाल समझ आ रही है, जैसे आपकी आवाज़ें आती हैं ना जब बीच में, तो मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर से, ये अगर आप मेरी बात सुनते हुए समझें, मैंने इस वक्त सब वॉइसेस जो बाहर की उसको म्यूट किया हुआ है। इसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, मैं सिर्फ जाऊं और आपकी जूम की आवाज़ को क्लिक कर दूं कि मुझे ना, थोड़ी थोड़ी उसमें भी आती है, लेकिन जब मैं अपने मेन कंप्यूटर की आवाज़ जो कि अभी भी बंद की हुई है, इसको बंद करती हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं आता। अब जब सबसे नीचे करके भी कुछ है तो इसका अंदर कि इस कंप्यूटर की या जूम की ये हद है। बस इससे ही समझ लीजिए कि बस यही कह सकते हैं कि लई सकम इसलिए शयन। पहली बात समझ आ गई लफ्ज़ लतीफ़ की, इतना इतना बारीक कि कहते हैं कि माइक्रो क्या मिली माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, दुनिया के किसी गैजेट से वो नहीं दिखता। कभी आप कैमरे से कोई तस्वीर खींचते हैं, आप तो अशश कर रहे होते हैं, जिनको भेजते हैं वो कहते हैं ये ठीक ही है, क्योंकि आपकी आंख में जितने पिक्सल है ना, पिक्सल एक छोटी सी यूनिट होता है जो चीज़ को देखता है। आज तक दुनिया में ऐसा कैमरा नहीं बन सका कि आपकी आंख के पिक्सल्स के लेवल पे आए, पता नहीं वो कभी बनेगा तो कितने का होगा। जो खूबसूरती आपकी आंख ले रही होती है ना, वो कैमरा नहीं लेता। आप 10 किस्म के कैमरे ले, हर एक साल बाद आईफोन नया अपग्रेड कर दें, 2 कैमरे, 4 कैमरे, आपको जवान करके दिखा दे, आपकी शक्ल बदल दे, नीला कर दे, पीली कर दे। आज आपके ऐसे कैमरे बेकार हैं जो आपकी आंख देखती है। ये पहली बात समझ आ गई लतीफ़ की। अब दूसरी पे चलते हैं, लफ्ज़ लतीफ़ का दूसरा मानी बारीक बीन। पहला क्या था, खुद नहीं दिखता, इतना थिन है। अब क्या है कि वो तुम्हें इतनी बारीक बीनी से देख रहा है कि तुम्हारे अंदर के सारे हाल चाल से वो बाखबर है। यानी अल्लाह वो ज़ात है कि तुम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन वो इतना बारीक बीन है कि कोई चीज़ 1000 पर्दों के पीछे छुपी हुई हो, इसकी निगाहों में बिल्कुल नुमायाँ होती है। बात समझ गए? जैसे मैं अपने कंप्यूटर से कभी कभी पिक्चर्स कोई खींच के ना इनको भेजती हूँ कि आप देखें, हाँ ये मुझे तो ऐसी ब्लरी दिख रही है, आपको क्लियर दिख रही है। ये मेरे फ़ोन पे तो आपकी ये प्रेजेंटेशन ऐसी दिख रही है, तो आपके भी ऐसे है। दुनिया में फ़र्क हो सकता है, आपकी आंखें कमज़ोर हैं। कभी मैं सोचती शायद मेरी आंखें धुंधले आ गई हैं, मुझे चीज़ ब्लरी दिख रही है, क्या आपकी भी ऐसे है? लेकिन अल्लाह की ज़ात का अहाता नहीं किया जा सकता। और फिर सबसे बड़ी बात है, लतीफ़ के आगे देखिए क्या लिखा है, अल्लाह अकबर, खबीर भी है। क्या कहूँ कि नूरुन अला नूर, यानी लतीफ़ ही बड़ा था, इतना बारीक बिन डिडक्टर। आज क्या मैं इंग्लिश का लफ्ज़ बोलूँ या साइंस की ज़ुबान में आपको समझाऊँ कि अल्लाह की बारीकियाँ कैसी हैं। आपकी कैमरे हैं, आपने लोगों की बिल्डिंग्स में कैमरे लगे देखे होंगे। एक कैमरा क्या होता है, आप जाते रहें वो देखते रहते हैं, ख़त्म। लेकिन एक और कैमरा होता है, वीडियो रिकॉर्ड होती है। जैसे हमारे ये लंदन में भी थी, तो कोई हुआ, किसी ने कहा कि कोई घर से बाहर आया और उसने इनकी गाड़ी के अंदर कोई बड़े कीमती से कोई चीज़ लगी होती है, तो वो निकाले और लेके भाग गए। कई हज़ारों के होते हैं वो। तो मैंने कहा कि आपने उसको नहीं देखा? कह रहे कि वो कैमरे के अंदर थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, और अगर रिकॉर्ड भी हो गई तो बंदा नहीं पकड़ा गया। अल्लाह की ज़ात को अब समझिए, लतीफ़ देख भी रहे। अच्छा, फिर वो मज़े की बात है, दुनिया के कैमरे एक ख़ास एंगल पे होंगे। तो हमारी एक साथी हैं, तो उनके घर में पता नहीं 6 कैमरे लगे हुए हैं। अभी हम उनके घर से कुछ 15-20 कदम दूर होते हैं, उनको हमारी गाड़ी दिखती है, उनको सारा पता चलता है। आप गाड़ी में बैठे हुए थे, इतनी देर पहले थे, बैठे नहीं, उठे नहीं, वो अंदर से मेरे। और हम अभी उनके डोर से कोई 4 कदम बाहर पहले होते हैं तो डोर खोलते हैं। हम कहते हैं भाई ये क्या सेंसर है? कहती हम आपको पहले देख रहे थे, आप जब करीब आए आपने डोर खोल दिया। अच्छा जी, ठीक है, माशाल्लाह। क्या वो वीडियोस जो बनती हैं वो वैसी होती हैं जो होती हैं? अल्लाह की ज़ात देखिए कि वो खबीर भी है, और हर चीज़ उसकी आंखों के सामने ऐसे रोशन है, और साथ ही साथ बाखबर भी है। आप कैमरों में बंदे को तो ले सकते हैं कि बंदे के दिल में क्या है, वो आया किस लिए, ये देख सकते हैं। लड़ने आया है, झुकने आया है, प्यार करने आया है, वो सास अम्मा को ताने देने आई हैं, या आपको कोई दुआएं देने आई हैं, क्यों आई हैं? अल्लाह ना सिर्फ देखता है बल्कि जानता भी है। बाखबर ज़ात है। एक ख्याल करने वाला अपने ख्याल को भूल सकता है। लिखिए, ख्याल करने वाला ख्याल को भूल सकता है। कितने ख्यालात आते हैं एक दिन में बंदे को, याद है किसी को? ये मैंने आपको उसी नहीं लिखाया था जिसने रब का लफ्ज़ था। आप कहाँ इतने गौर से सुनते होंगे बाजी, मेरा बदगुमानी से मुझे माफ़ करें। एक दिन में बंदे के अंदर कितने ख्याल आते हैं साइमा जी? कल से आप भी घर से सुनेंगे, मुझे पता। घर वाले कितने खुश हो रहे हैं, शुक्र है क्लास में नहीं है, नहीं तो हम इससे भी पूछते, तो भी पूछ लेती हूँ जी। नगीना जी, नसीम गौस, अनीला अहमद, आसिया, अजरा, फ़ायज़ा, फ़ोज़िया, हाँ, नौशीन, नौरीन, पतनी, नसरीन, कुलसूम, खिसरा जी, एक दिन में कितने ख्याल आते हैं। और सबसे ऊपर जिनकी आईडी है वो ताहिरा जी, आप भी ज़रा लिखाएं। सबसे शामत आपकी आती है, जो ज़्यादा करीबी होगा उसको ज़्यादा पकड़ा जाएगा। जी बोलें, आप जो बोलेगा हमें आवाज़ आएगी। कापियाँ ढूंढ रहे हैं, किधर लिखा था? हमने तो सोचा अब ये कोई इंग्लिश की बातें होने लगी हैं, हम जाके हांडी में चमचा फेरा है। जी बोलें जिसको पता, नहीं तो मैंने शाम को सारी क्लास के सामने पूछ लेना आप ही के नाम लेके। मैं क्यों दीवार से टकरे कर मारूं? किसी एक को भी नहीं पता? कितनी खामोशी है जी। समन आप, सोबिया जी, फ़ायज़ा जी, सईदा जी, सारे जीज़, हैं, नौरीन, काशिफ जी, अफशा जी, आप बताइए, मुमताज़ जी, मरियम, मारिया, ये रोने तो नहीं लग गए? हिचकियों की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, नोट्स कापी में वो भी नहीं पूरे होने, ये भी मैं बता दूँ। जो लोग कहते हैं ना मैं एक एक लफ्ज़ लिखती हूँ, तो जब भेजते हैं तो मैं कहती हूँ मैं इतना कम तो नहीं बोलती। जी तायरा जी, आपका नेट ख़राब हो गया। कल से आप लोग वीडियो के साथ आएंगे, कोई नहीं आपको और देख रहा है, ये आपका क्लोज सर्किट है ना। मैं भी तो देखूँ इस वक्त, और साथ और क्या कर रहे हैं आप लोग? घर में मज़े हैं, सब्ज़ी भी पक जाती है, खाना बन जाता है, क्लास भी हो जाती है। यहाँ कौन उठने देता है आपको? चले, इतना तो कम कभी नहीं आप बोले। जी नगीना तारिक, आपका हाथ खड़ा हुआ है, आप बोलिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाब नहीं आता इसलिए सब खामोश है, माशाल्लाह। चले, ये आपका काम है, आपने लफ्ज़ ये मैं बता देती हूँ कि आज रब के अंदर था, और किसी से नहीं पूछना, आपने उसकी वीडियो से जाकर सुन के तो कल जवाब। भाजी आपका ये काम है, मंडे को आपने याद दिलाना है, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आप देखिए कि जब तक, हाँ जी ये भूल ही तो बुरी है। जी वालेकुम अस्सलाम। इनको लगता है काफ़ी मिल गई है। नहीं उस्ताजी, मुझे काफी नहीं, मुझे सवाल नहीं समझ आया, आप सवाल एक बार प्लीज क्लियर कर दें। सवाल ये है कि एक दिन में बंदे के दिमाग में कितने ख्यालात आते हैं और अगले दिन वो सब डिलीट होके उसकी जगह नए शुरू हो जाते हैं। हमारे ख्यालात की जिंदगी आपको होता है कि कुछ घंटे होती है सिर्फ, अगर आप उसको आगे ना लें तो वो ख़त्म हो जाते हैं फिर। चलिए अब मैं भी नहीं बताऊंगी, इसलिए कि आपने मंडे को सबको बताना है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि एक ख्याल करने वाला अपने ख्याल को भूल सकता है, एक अमल करने वाला अपने अमल से बेनियाज हो जाता है, लेकिन अल्लाह को उसके इल्म और उसकी खबर की बात पूरी पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपता। आप देखिए बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े दानिश्वर होते हैं, अपने तख़य्युलात में उलझ जाते हैं, ख्यालात के ताने बाने आते हैं, इधर बात उधर की आई उधर की हुई। अल्लाह को वो सारे गुच्छम गुच्छा जो स्कैटर्ड थॉट्स हैं ना हमारे, सब का पता होता है। आप ज़रा एक जुमला लिखिए कि जिस ज़ात का इल्म और जिसकी आगही इस कदर मुकम्मल और मुहीत हो जाए, क्या उसके मुहासबे से कोई निकल सकता? फिर वह हसीब बन जाता है, गिन गिन के रखता है और हमसे हिसाब लेता है। तो ये वो चीज़ है कि जिसको अगर आप कुरान से ना लेंगे तो आपके इस पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ ये तसव्वुर के इंसान ख़ता का पुतला है, न जाने कब इसके तख़य्युल में कोई बुराई दाखिल हो जाती है, कब इसका एहसास भटकने लगता है, कब इसकी नज़र पाकीज़गी को खो देती है, कोई गंदी चीज़ देखने लगता है, कब इसकी ख्वाहिश नफ्स इसको मगलूब कर देती है, कब इसकी नीयत में फसाद पैदा हो जाता है। वो ज़ात जिसके इल्म और ख़बर के सामने इनमें से एक एक चीज़ ज़ाहिर और बाहर है ना, अगर वो इस पर गिरफ्त करने लग गया तो क्या होगा? लिखिए, यहाँ बहुत ही सोच को उभारने वाला जुमला है। आपको समझ आई है इस आखिरी जुमले की कि जिसको इतना पता है। मैं मिसाल देती हूँ, आप कहते हैं नॉर्वे हुकूमत से कोई छुप नहीं सकता, थोड़ी सी हेरा फेरी लोग करते हैं टैक्स में तो पकड़े जाते हैं, या ना पकड़े जाएंगे तो बाहर पकड़े जाएंगे, जाकर वो पाकिस्तान जाकर आपके बंगले कोठियों को गिनाएंगे ना। सभी ने सुनाई हुई है ना स्टोरीज। क्या आपकी गवर्नमेंट आपके एक एक क्रोन का हिसाब लिख पाती है? आपकी एक एक अच्छी और एक एक बुरी, आपने एक एक पैनी पैनी पे किया है वो लिख लेगी, तो क्या नहीं किया वो लिख पाती है? नहीं लिख पाती। तो आप ज़रा से दिल थाम के रखिए, अब आपको लतीफ़ का एक अगला एंगल दिखाने लगी हूँ। और वो क्या है? लुगत जिसको कहते हैं ना, बैठे रहे आप। देखिए कि अहले लुगत कहते हैं कि जब अल्लाह की नज़र हमारे हर, जिसको कहते हैं ताना पेटा, हमारा अल्लाह जानता है, तो फिर लतीफ़ का एक मानी मेहरबान भी है कि वो खबीर ज़ात जिस तरह अपने इल्म और आगही में मुकम्मल है, इसी तरह इसकी रहमत इसके गज़ब पर हावी है। कल ये जुमला बोला था मैंने अर्रहमान में, आज भी बोलूँगी इंशाल्लाह अर्रहीम में। जी जी बिल्कुल सच है। तो लतीफ़ में मेहरबानी है, इसकी मेहरबानियाँ बंदों की कमज़ोरियों को हमेशा नज़रअंदाज फरमाती हैं। आज आपको तो आज के लेक्चर में पूरा एक फुल नोट होगा रहमत क्या होती है, कल तो स्कैटर्ड बातें थी ना, तो आज इंशाल्लाह रहीम के साथ आपको A to Z रहमा बताऊंगी, क्योंकि मैं आज तक ये भी नहीं पता रहमत क्या होती है। सच्ची जो बात है, उसकी मेहरबानियाँ बंदों की कमज़ोरियों को हमेशा नज़रअंदाज फरमाती हैं। वो एक पंजाबी शायर, शायद आपने किसी ने सुना हो, उसने भी इसी तसव्वुर में डूब कर कुछ कहा था कि जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले। ये हमारी एक नानी है, मेरी अम्मी की मवानी है, तो वो ये शेर बड़ा पढ़ती हैं। 100 साल से तो मेरा लेकर 2-4 साल ऊपर ही होंगी, क्योंकि जब हम छोटे थे वो तब भी हमसे बहुत बड़ी थी, और अभी भी माशाल्लाह अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, अल्लाह दे उनको और ज़िंदगी। कहती हैं जे मैं विल वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। आप जिनको पंजाबी नहीं आती वो क्या करें? करें जी तर्जुमा बाजी, आप करिए। यानी अगर मैं अपने अमल देखूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। और दूसरा जी आप जे वेखा तेरी रहमत बल्ले बल्ले बल्ले, अल्लाह की रहमत से ये सारे मामले ठीक यानी कल भी एक जुमला बोला था, आज भी बोलना है कि ये जुर्म है। कल आखिरी जुमले थे कल के सेशन के रहमान के लफ्ज़ में कि अकबरुल कबायर में से दो कबीरा गुनाह इकट्ठे बोले थे आपने। कोई बता देगा? एक आप बता दें तो एक आप, दो ही तो शागिर्द मेरे साथ बैठे हैं। और दूसरा जी सहमा जी, वो उससे पहले ही आप उठ गई थी, सो गई थी। इन्ना लिल्ला, नींद आ जाती है इसमें। सुकून इतना आया कि सो ही गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा कि अकबरुल कबायर एक क्या है? अल इशराक। और दूसरा क्या है? कनूत मिन रहमा, अल्लाह की रहमत से मायूस होना। ये डिप्रेशन के मारे लोग जो खुदकुशियाँ करते हैं, ये कनूत की आखिरी हद होती है। क़नता ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो ना कभी खुद अल्लाह की रहमतों से मायूस हों और ना कभी किसी को करें। जितना ज़्यादा आगे जाएंगे आप देखिए, दुनिया में किसी पैसे वाले से आप उम्मीद रखें कि एक पैसा नहीं देगा मांगने पे, तो ये तो उसकी बेइज्जती है। इंसल्ट करते हैं आप किसी पैसे वाले की, कहते हैं इन्होंने 5 रुपए नहीं देने, तुम क्या बात करते हो, ये तो पानी का घूंट नहीं पिलाएंगे, कहेंगे पी के ही आए होगे, जाके पी लेना, ऐसे ही पी लिया तो ये ना हो। तो अल्लाह जो अर्रहमान जो अर्रहीम, सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में उसकी रहमत है। और जब ज़रब लगेगी इसको 99 की क़यामत के दिन, तो हम जैसे गुनाहगारों ने वैसे उसी में ही बचना है। देखिएगा उसी के अंदर से कहीं ना कहीं उसकी हमारे ऊपर जो नजर करम होनी है, तो बच जाएंगे। तो क्या पता चला, आप देखिए सिर्फ एक आयत है। और मैं सोच रही थी कि ये आयत तो पहले ही बड़ी दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं, तो आज ऐसी गुजर जाएंगे और आगे चलेंगे। और मैंने अभी घड़ी देखी है 1 बज गया है। इन्ना लिल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। एक ऐसे लगा कि एक ब्लिंक ऑफ आई में हमारा वक्त पूरा हो गया। आप देख रहे हैं कि जितना सिलसिला बयान कदम कदम आगे बढ़ रहा है ना, ऐसे मालूम हो रहा है मुझे तो बिस अब यही लगने लग गया कि मैं लस्माल हुस्ना ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन करूँ क्या कि इस एक आयत में अल्लाह के इतने नाम हैं। आज के पूरे सबक को आप अगर लस्माल हुस्ना के लिए साइड नोट पे रख छोड़ें तो कभी उधर भी काम आ जाएगा आपके। ऐसे लगता है कि इस कलाम के मुखातिब एक ऐसे मुतकल्लिम के सामने हैं जो इनसे इंतहा दर्जे की हमदर्दी और गम गुसारी का जज्बा रखता है। वो चाहता है कि मैं अपने मुखातिबों को वो आबे हयात ज़रूर पिला दूँ जो इनके लिए ज़िंदगी बख्श और जिससे दूर रहकर ये लोग हलाकत का शिकार हुए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ऐसे ही, झूठ सच ही कहते होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम आपके सारा दिन लेक्चर सुनते हैं या जो सुनते हैं तो हमें आपके अंदर ये चीज़ दिखती है कि आपका बस नहीं चल रहा होता कि आप घोल घाल के हमारे अंदर पिला दें। यानी हमें आपका इल्म एक तरफ, लेकिन हमें आपकी मोहब्बत दिख रही होती है जो आपको हमसे महसूस होती है। मैं उन्हें कहती हूँ क़यामत के दिन ये गवाही दे दें, बस मुझे आज तो नहीं ज़रूरत, वहाँ ज़रूरत है। और जो नहीं कह सुनता उसको दे दीजिए कि शायद वो आपकी इस बात से सुनने लग जाए। और जब तक ये बखा की कैफियत ना हो, बात नहीं बनती। बिल्कुल यहाँ याद रखे, अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है, अल्लाह ताला को आपसे इतनी हमदर्दी, अल्लाह आपके गम को ऐसे पीना चाहता है कि आप तो बस उसकी रहमतों में डूब जाएं। और आप देखिए बार बार ऐसे लगता है, कभी अल्लाह अपनी रहमत दिखाता है, कभी राफत दिखाता है, रऊफ़ और रहीम। अपनी गुफ्तगू में कभी एक मौजू बदलता है, कभी दूसरी तरह, कभी आपके दिल के ख्यालात को बदलने के लिए अल्लाह कायनात की निशानियाँ दिखाते हैं, कभी आपके दलाइल अनफुस दिखाते हैं, कभी आपकी अक्ल को सरेंडर करने के लिए इल्ज़ामी तर्ज़ तकल्लुम भी इख्तियार किया जाता है। यानी मुझे तो इस कुरान से यही समझ आया कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि जो मेरी बात सुन रहे हैं उनके ऊपर कचोके लगें। सीधा करने के लिए राह रास्त पे लाने की रग़बतें भी हैं, और कभी कभी आप उसके एहसासात को छेड़कर उसको उसके अंजाम से बाखबर करता है। तो इसी से ताल्लुक़ बिल्ला बनता है। अल्लाह के ताल्लुक़ के हवाले से ऐसे जज्बे उभरते हैं इस कुरान को पढ़ के कि जिसके बाद फिर ये हो नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी फीकी रह जाए, अल्लाह के ताल्लुक़ के बग़ैर गुजरे। तो बात यह है कि अल्लाह को आपसे बहुत प्यार है, क्योंकि वह लतीफ़ुल ख़बीर है, बुरे इंजाम से बचाना चाहता है। और जिस तरह लोग अपनी जहालत की वजह से, कभी असबियत की वजह से, कभी ज़ौक़ ही नहीं, जिसको कहते हैं ना कोरे हैं अपने ज़ौक़ से, बेअक़ल हैं, ज़िद्द है, कभी हट धर्मी है, लोग इस कलाम को पीछे करके दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लें, क्या मिल जाएगा? सोने के घर में भी इंसान रहेंगे तो रोते हुए निकलेंगे वहाँ से, याद रखिए वो सोना उनके आंसू नहीं पहुँचेगा। सारी बातों को करके गुफ्तगू को समेट के अब आगे एक ऐसी बात आने वाली है, यानी अगली आयत के साथ अगर इसको जोड़ के रोक दूं कि एक ऐसे नतीजे पे अब आयतें चल पड़ी हैं कि जिससे इत्माम हुज्जत भी है और सोचने के लिए कुछ लम्हे भी मुयस्सर आ रहे हैं, और वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि अल्लाह ताला बंदे को कैसे मुख्तलिफ तरीके से दलाइल के साथ लेके चलते हैं। तो आपका मेरा काम क्या है इन सारी चीज़ों को सुनने पढ़ने के बाद कि अल्लाह की मोहब्बत को भी महसूस करें, उसके अदल को भी महसूस करें, अपनी ज़िंदगी में उसको अहमियत दीजिए। खौफ भी दिलाया जा रहा है, रग़बत भी दिलाई जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है मैं तुम्हें पूरी तरह देख रहा हूँ, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है लतीफ़ुन खबीर भी हूँ कि देख के भी जिसको कहते हैं ओवरलुक कर रहा हूँ। माँ बच्चे की मेरे सर पे ऐसे हैं जैसे मैं 10 दौरे कुरान करा रही हूँ, ना मुझे सर खुजाने की ना मेरा दिल करता है कुछ और चीज़ पे। जो काम कर रही थी उस वक्त सोचती हूँ कि इस काम के दौरान भला मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ सुन सकती हूँ तो सुन लूँ, देख सकती। कभी लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं तो मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ अपने सामने खोलकर, कभी मैं कोई लिखना शुरू कर देती हूँ आपके लिए जो कुछ जमा किया जाता है पॉइंट्स। यानी इस तरह दिल दिमाग पे है कि मैं कह सकती हूँ कि रात बिस्तर पे लेट के जब तक आंख ना बंद हो जाए मुझे नहीं पता होता कि, और उठते ही सबसे पहली बात वही होती है, क्योंकि ये समंदर है, 7 समंदर पार करने आसान है, अल्लाह का एक नाम बताना मुश्किल है। बिलीव मी, ये इतना बड़ा समंदर है कि वो 2 जगह है ना, सूरह लुकमान और सूरह अल-कहफ के आखिर में कि तुम सारे 2 जगह है ना सूरह लुकमान और सूरह अल-कहफ के आखिर में कि तुम सारे कलम बना लो और सारी स्याही बना लो और लिखो अल्लाह के होते, लेकिन ना ला नफिदल नहीं लिख सकते, इसका इहाता नहीं कर सकते। मैं सोचती हूँ जिसका एक नाम ऐसा है तो वो ज़ात कैसी होगी। और एक हदीस लिख लीजिए जाते जाते, सही मुस्लिम की रिवायत है 445, अबू मूसा अल-अशरी से ये रिवायत है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें खड़े होकर 5 बातें बताईं, यानी अंदाज भी बताया कि खड़े होकर बताई थी। पहली बात कि अल्लाह सोता नहीं और ना ही सोना इसकी शान है। ये बात मैं आपको किस पे लिखा रही हूँ, खबीर। खबीर के लिए लाजमी है कि वो आपको ऑब्जर्व करे, तभी तो देखेगा ना, किसी भी अंदाज में देखे। फिर मिज़ाने आमाल को झुकाता है और बुलंद करता है, और इसकी तरफ रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले बुलंद किया जाता है, और इसका हिजाब आग है, अगर वो इसे खोल दे तो इसके चेहरे की शुआएं जहाँ तक इसकी निगाहें पहुँचती हैं मखलूक को जला दे। अल्लाह अकबर कबीरा। समझ आइए 5 चीज़ें। और सही मुस्लिम के इसी से 2 हदीसें पीछे जाएं तो 443 हदीस में आता है अबू ज़र से कि आपसे पूछा कि आपने रब को देखा है, तो आपने कहा वो तो नूर है, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ। तो वजूह यौम इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नासिरा, सूरत क़यामत की आयत 22-23 है। उससे पता चलता है कि क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में अल्लाह को देखेंगे, और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना दीदार ज़रूर कराना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़ता नज़री इला वजहिका व शौक़ा इला लिक़ाइका। इसके चंद 2-3 चीज़ें आप खुद ही देख लीजिए, कोई लफ्ज़ नया है तो देख। इदराक का लफ्ज़ है, दरका पा लेने को कहते हैं, नीचे उतरना, बालिग होना। जब बच्चा बलूगत की उम्र पे आ जाता है तो फिर आप कहते हैं कि ये आप पहुंच गया अपनी प्यूबर्टी की एज पे। और फिर इसी तरह इसको आगे कहीं देख लेंगे क्योंकि अब वक्त पूरा हो चुका है। अब सार में बसर है, लतीफ़ लुत्फ़ भारी, और शकील का अपोज़िट है, और बहुत ही जैसे उर्दू में भी हम बोलते हैं अंदाज, नरम अंदाज। खबीर में ख़बर है, वो बातें जो बज़रिया ख़बर मालूम हो सके। और इसी तरह से मेन थिंग्स क्या देखी तफसीर में, इसका ख़ुलासा देख लें कि इंसान की निगाहें अल्लाह की हकीकत तक नहीं पहुंच सकती। क़यामत के दिन मोमिनों को अल्लाह का दीदार होगा। बेशक इसकी हकीकी अज़मत, जलालत, कुदरत, बुज़ुर्गी वग़ैरह किसी की समझ में नहीं आ सकती, वह ना ही नहायत बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। फ़्लो चार्ट इसका लतीफ़ुल ख़बीर के नाम पर है। अल्लाह ताला बारीक बीन है, वो सीने के राज़ों को जानता है और हमारे आमाल से बाखबर है। क्या सीखा? अल्लाह ताला की बारीक बीनी की वजह से हमें अपने अमाल की हिफाजत करनी है क्योंकि वो सीने में छुपे हुए राजों तक को जानता है। हमारा नाम अमाल लिखा जा रहा है, कल हमारे अज़ा हमारे ख़िलाफ़ या हमारे हक़ में गवाही देंगे। हमारे हर अमल की रिकॉर्डिंग हो रही है और अल्लाह के पास हमारा सारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे ईमान, बंदगी और इताअत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला हर जगह, हर वक्त, हर जगह हमसे बाखबर है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वक्त पूरा हो चुका है, आप लोग बोलना चाहें तो ले लीजिए, मैं यहाँ पे रुकूँगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। आप सब अपने क्लास के ग्रुप में शेयरिंग करेंगे इंशाल्लाह कि आपने क्या सीखा।